हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोम नेम द गार्डनर एंड द वाइन सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द लेसन इन दिस पोम द पॉइंट हैज हाइलाइटेड द सेल्फलेस वर्क ऑफ अ गार्डनर व्हेन ही प्लांट्स अ अग ही सो फॉर अदर्स एंड नॉट अ हिमसेल्फ अब यहाँ पे क्या बता रहे इस पोम के अंदर बेटा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं किन चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ वाइन वाइन मीन्स क्या होता है बेल कभी सुनिए आपने वाइन क्या होती है क्रीपर होती है ना वैसे को ही वाइन बोलते हैं ओके सिमिलर सिमिलर फॉर क्रीपर तो यहाँ पे प्लांट सेप्लिंग की बात की गई है कि प्लांट्स को किस तरह से हम सेप्लिंग करते हैं और उसी के बेस पर इस पोएम को बताया गया है सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द वर्ल्ड वॉज क्लॉग्ड इन सिल्वर ग्रे द एज वॉज गोल्ड एंड ब्राइट द इनसाइड ऑफ एन ऑशन शेल वॉज क्रश्ड इन टू द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉज क्लॉग्ड क्लॉग मीन क्या होता है बेटा कवर हाइड होना वर्ल्ड okay? so, है वो कवर है सिल्वर ग्रे कलर से एज कैसे हैं उसके गोल्ड एंड ब्राइट और इन साइड में क्या है ओशन शेल एंड क्रस्ट इन टू लाइट मीन्स क्या है यहाँ पे क्रस्ड का कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो कैसे लाइटेड है पूरा लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर से मींस ब्राइटनेस है उसके अंदर Okay, so the day still had its wrapping on, pale shades of every hue, the old man walking on the grass, left footprints in the dew. So day, day कैसा है? On. किस में रैप है? है? हो रखा कैसे में Pale shades. मतलब उसकी shades कैसी आ चुकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मीस येलोइश जो शेड है वो आ चुकी है लेकिन यहां पर क्या है किसकी स्टोरी बताइए किसके बारे में ये पोम ओल्ड मैन जो ओल्ड मैन है वो वॉकिंग ऑन द ग्रास सो लेफ्ट फुट प्रिंट्स इन द ड्यू जो उनका लेफ्ट फुटप्रिंट्स है वो कहां पर है ड्यू ड्यू मीन्स क्या होता है वाटर ड्रॉप्स ओके जो होल नाइट में हमारी वाटर ड्रॉप होती है जो लीव्स के ऊपर नजर आता है उनकी जो फिंगर्स हैं, कैसी फिंगर है काफी रफ है ना तो ग्लानीस यहाँ पे क्या बेटा रफ फिंगर्स मतलब ओल्ड जो ग्रांड रफ फिंगर्स हैं वो जो जेंटली टच करती हैं वाइन को तो कैसी अंडर और उसने में क्या लिया है ऑल चोल एक इंस्ट्रूमेंट है उसको रखा हुआ है जो कैसा बहुत फाइन नजर आ रहा है ही क्राउज्ड एंड डग अ लिटल होल नॉट लार्जर देन हिस्स फर्स्ट देन जेंटली पुट द प्लांट इन इट द सन ड्रॉप ऑफ द क्राउन्स्ड क्राउंस क्या होता है कोई चीज आपकी मुड़ी हुई होती है या फिर बैंड होती है वैसा तो जैसा आप देख भी रह, रहे हैं कि ये जो हमें पिक्चर फिगर आउट की गई है वो कैसी है उस पिक्चर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है वो कैसा है मुड़ा हुआ है क्राउं है और वो डग भी है डग में क्या कर सकता है खुदाई कर सकता है होल कर सकता है है ना तो नोट लार्जर हिज फेस्ट और वो कैसा दिखाई दे रहा है जैसे उसके हाथों में काफी बड़ा दिखाई दे रहा है अब वो क्या कर रहे हैं जेंटली पोश करने के लिए आए हैं ताकि वो क्या कर पाए एक आपको नजर भी आ रही है एक वाइन इसी को क्या बोलते हैं हम क्रिपर को ही वाइन नाम दिया गया यहां गार्डन स्टिल टी अन फोल्ड जो बुलबुल है वो क्या कर रही है बोरा लाउड स्वीट सॉन्ग सिंग कर रही है ब्राइटनिंग गोल्ड जो कलर आया हुआ है ब्राइटनिंग गोल्ड उसके अंदर और जो गार्डनर है वो स्टिल क्या कर रहा है अपने हैंड पे देख रहा है उसको वॉच आउट कर रहा है कि उसको अब क्या करना है वर्ल्ड स्लोली अनफोल्ड जो वर्ल्ड है मतलब सन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है वो अनफोल्ड हो रहा है मीन्स क्या होता है अनकवर हो रहा है एंड अर्ली बी बर्स्ड बाई ईयर And settle on the rose which unfurled his creamy petals. The scent rushed up his nose. तो यहाँ बात हो रही है कि इस तरह से जब वो गार्डन के अंदर आता है तो उसको क्या क्या चीजें सुनाई देती हैं क्या महसूस होती हैं और वो अब क्या करने वाले हैं ना तो यहाँ पे अर्ली बी मतलब जो बी होती हैं उनकी आवाज आ रही है उसके कानों में बर्ज बर्ज है ना बर्ज क्या है यहाँ पे ये यह है साउंड ऑफ बी और कैसा जो रोज है वो रोज सेटल हो चुके हैं मतलब रोज काफी वो क्या कर रही है वो बी आकर रोज पर बैठ जाती है और जो क्रीमी पेटल्स होते हैं रोज के मतलब हम देखते हैं ना सॉफ्ट पेटल्स मतलब उनकी कैसी हैं काफी सॉफ्ट है और वहां से कैसी अच्छी अच्छी सेंट की खुशबू आ रही है जो उसके उसको महका रही है जो देख रहा है गार्डनर तो वो देख रहा है कि रोज बी और किस तरह से उसको सेंट की जो फ्रेगनेंस की खुशबू है वो भी उसको वहां पर आ रही है A faint tinkling of distant bells now trembles in the ear. The gardener clogged his head to hear the neighing of a मेयर तो यहाँ पे बात है फैन टिंकलिंग इन डिस्टेंट बैल्स मतलब उसको क्या घंटियों की आवाज आ रही है टेंट टें, जैसे घंटियों की आवाज होती है तो टिंकलिंग की आवाज आ रही है वहां पर और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हवा में बज रहा है गार्डन कॉग्ड इज है और गार्डन क्या करता है जो गार्डनर है वो अपने सर को ऊपर उठाकर क्या देखने लग जाता है कि कुछ उसको सुराई दे रहा है और वहां पर मेयर मेयर मीन्स क्या होता है बेटा इ फेमिनाइन ऑफ होर्स सो so, घोड़ी को हम मेयर बोलते हैं नींग मीन्स साउंड ऑफ मेयर तो जो घोड़ी है उसकी आवाज आ रही है उसको नी -नी, उसकी आवाज पर सुनाई दे रही रही है है और साथ में किसकी की भी उसको हो तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है उनको जब उसने देखा गार्डन ने तो गार्डनर जब देखता है उसको तो उसको कलेब्स हैंड वेंट टू प्रेसिंग कि कुछ ऐसा है कि वो अपने हाथों को में प्रेस करता है और उसके आसपास क्या लगी होती है मिट्टी क्योंकि वो क्या है गार्डनर है तो गार्डनर तो मिट्टी में उधर ही देख रहा था ना चीजों को और उधर ही वो चीज़ें कर भी रहा था तो जो है अराउंड द रूट्स और वो साथ में क्या कर रहा है? रहा है है रूट्स के आसपास को भी बिखेर उसके जो हाई पर क्या दिखाई देता है उसको जो आवाज सुनाई दे रही थी जब वो देखता है तो उसको नजर आता है कि राजा है जो राइडिंग कर रहे हैं और वहां से पास आउट हो रहे हैं और उनकी ड्रेस उसको कैसी नजर आती है सिल्क सिल्क सूट जैसे उन्होंने पहना हुआ है द हॉर्स इज स्लो डाउन टू अ ट्रॉट एज दे पास द गार्डन वॉल द गार्डन रेज हिज हैड टू सी द हाई किंग सिटी टॉल तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो कैसे स्लो डाउन मतलब ट्रॉट मीन्स क्या होता है जो उसकी क्या होता है धीरे धीरे हॉर्स कैसे चलता है हॉर्स की राइडिंग कैसे होती है हमारी तरह तो नहीं चलता एक फ्लैट वे में वो कैसे उसकी जो राइडिंग होती है उसको यहाँ पे ट्रोट नाम दिया गया है कि वो वहां से पास हो रहा है लेकिन वो जब जैसे बहुत तेज आ रहा था अब उसकी जो गति है जो उसकी स्पीड है वो स्लो हो गई है वो देखने लग गए हैं कि किस तरह से किंग भी उनको देख रहे हैं द गार्डना रेस हिस्स टू सी द हाई किंग सिटी टॉल और कैसे दिखाई दे रहे हैं किंग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो जो वॉल है वहां उससे ऊपर है है ना हाई उनकी जो है वो हाई नजर आ रही है द किंग्स आई वीन वेन ही द सॉपलिंग बाय अ ट्री द ग्रेप्स सुबो ड्राइव पर वेन द मैन वॉज जस्ट अ मेमरी किंग क्या करते हैं किंग की जब आंखें कहा पर पड़ती है सेप्लिंग पर जो ट्रीज हैं ट्रीज की सेप्लिंग है उन पर जो पड़ती है तो देखते हैं वहां पर जो वाइन है वो ग्रेप्स की राइप की जा रही है मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ग्रेप्स की वाइन को जो गार्डनर है वो लगा रहा है लेकिन जब तक ये ग्रेप्स इसमें ग्रेप्स आएंगे और वो राइपन होंगे राइपन मतलब क्या होता है पकना जब तक ग्रेप्स पकेंगे और ग्रेप्स आएंगे तब तक जो ये गार्डनर है वो क्या रह जाएगा सिर्फ एक मेमोरी में रह जाएगा मेमोरी में मतलब उस टाइम तक उसकी डेथ हो चुकी होगी तो वो वहां वो वर्ल्ड के अंदर ही नहीं होगा लेकिन वो क्या कर रहा है वो उस वाइन को उगा रहा है टेल मी ओल्ड मैन द कॉल्ड आउट वट डू यू प्लांट दिस वाइन इट विल नॉट बी अर सिंगल ग्रेप फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड नाइन अब वो क्या बताता है कि ओल्ड मैन ठीक है टेल मी मुझे बताओ अब किंग जो है बोलता है कॉल्ड आउट जोर से बता बोलता है कि मुझे बताओ कि ये प्लांट जो वाइन जो आप उगा रहे हो वट डू यू प्लांट दिस वाइन और इट विल बियर अ सिंगल ग्रेप आपको क्या लगता है कि इस पर सिंगल ग्रेप भी उग पाएगा कब तक फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड नाइन क्या ट्वेंटी नाइन ईयर्स तक इस पर कोई सिंगल ग्रेप भी आ पाएगा एंड यू आर ओल्ड यू बियरली हैव एट समर्स मे बी नाइन द स्वीट ग्रेप जूस वॉन्ट वेट योर लिप्स यू विल नेवर ड्रिंक द वाइन अब उसको वही कह रहे हैं क्या कि इतना टाइम जो एक एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाइन पर आएंगे जब ग्रेप्स तो वो क्या करेंगे वो काफी और ज्यादा ओल्ड हो चुके होंगे है ना अभी वो है बड़े लेकिन और ज्यादा उनकी एज जा चुकी होगी क्या आप इसका जो स्वीट ग्रेप जूस होगा उसको एन्जॉय कर पाएंगे तो वो इस तरह से उसको क्या बोलता है कि नहीं तुम तो यू विल नेवर ड्रिंक द वाइन और तुम तो वाइन की जो ड्रिंक है वो भी नहीं ले पाओगे मतलब ड्रिंक नहीं कर पाओगे द ओल्ड गार्डनर अप एंड बॉर्ड हिज आई स्माइल्ड एट हिज किंग इन अ क्वाइट वॉइस ही से दिस इज एन ऑफरिंग अब ये क्या बोलता है गार्डनर जो ओल्ड गार्डनर है वो उठता है और थोड़ा झुका हुआ होता है वो बोलता है की बोलने से पहले उसकी आंखें हैं वो स्माइल करती हैं किंग पर हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ वो किंग को देखता है और धीमी सी आवाज में बोलता है दिस इज एन ऑफरिंग ये क्या है एक प्रेजेंट है मेरा आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ ठीक है प्रेजेंट के रूप में आई इटन फ्रूट्स फ्रॉम वाइन्स प्लांटेड बाई बिफोर आई प्लांट फॉर दोज आई येट कम वेन आई विल बी नो मोर तो वो बताता है एग्जाम्पल दे के कि सर जो हमने फ्रूट्स खाए हैं जो वाइन्स प्लांट किए हैं तो वो जो हमने पहले से ही जिन फ्रूट्स को इन्जॉय किया है क्या हमने वो ग्रो किए थे तो हमने भी तो किसी के उगाए हुए पौधों से वाइन से अलग ग्रेप्स को इन्जॉय किया है अलग अलग चीज़ों को इन्जॉय किया है और ईट भी किया है इसी तरह से जो आगे आने वाली जनरेशन है तो हम उनको ऑफर करेंगे और ये प्रेजेंट के रूप में हम उनको देंगे तो ये छोटी सी पोयम जो एक गार्डनर बड़ी स्माइलिंग के साथ इसको पूरी करता है और किन को किस तरह से समझाता है कि क्या वैल्यू है एनवायरमेंट में पौधों की पेड़ों की और जो हमें मिला है वो हमारे किन्होंने दिया हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है तो आने वाले टाइम में हमें भी कुछ ना कुछ उनको देकर जाना चाहिए मैं अपने आने वाली जनरेशन को तो कैसे रही बच्ची छोटी सी पोएम है ना तो थैंक यू फॉर वॉचिंग